हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में जनरली दो ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड। आज हम इन दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है क्यूप्रस ऑक्साइड। जब हम पोटेशियम डाइक्लोरो क्यूप्रेट की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम के दो एटम्स हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेंगे। अब जो कॉपर है वो इस हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का। ये सबसे फर्स्ट मेथड थी। सेकेंड मेथड देखिए, यहाँ पर कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और कॉपर और ऑक्सीजन को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर एडिशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन हो जाएगा Cu2O या क्यूप्रस ऑक्साइड का। ये फर्स्ट वाला था ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब सेकेंड ऑक्साइड है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब हम क्यूप्रिक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यहाँ पर डिसोसिएशन की प्रोसेस होगी। डिसोसिएशन की प्रोसेस के थ्रू कॉपर एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेशन कर लेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का और CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। ये थी क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन की मेथड्स। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1326 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड में सॉल्युबल होता है। तो ये था कॉपर ऑक्साइड। थैंक यू।